मित्रों नमस्कार, लक्ष्य जीएस क्रैकर में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। और आज मैं एक इंटरेस्टिंग न्यूज, एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए लेके आया हूं। खबर संबंधित है यूपीएससी से। यूपीएससी आप सभी लोग जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जो आईएएस की परीक्षाएं कराता है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की परीक्षाएं कराता है, और ढेर सारे उसमें अधिकारी बनते हैं और बहुत से लोग तैयारी करते हैं, ठीक है ना। आज इस पे चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि यूपीएससी ने इसमें बदलाव क्या किया है और उस बदलाव से आप सभी अभ्यर्थियों का या आप सभी कॉम्पिटिटरों का फायदा क्या है और इसमें सरकार का क्या फायदा है, क्या लाभ है और इससे क्या फर्क पड़ेगा, आप लोगों को किस तरह से तैयारी आगे करनी है, कौन सी योजनाओं के तहत करनी है और कैसे आपको सफलता मिलेगी। जैसे कि मैंने टाइटल ही रखा है कि एकमात्र ये तैयारी है जिससे सरकारी नौकरी मिलेगी। और ध्यान रखना, सरकारी नौकरी मिलेगी, आईएएस नहीं बन पाए कोई बात नहीं। लोग उदाहरण देते हैं कि क्या बताएं, हम भी आईएएस तैयारी कर रहे थे, हम भी पीसीएस तैयारी कर रहे थे और तैयारी करते करते बाल सफेद हो गए, मिला कुछ नहीं, बहुत कठिन होती है। लेकिन सरकार ने इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए कमीशन को एक निर्देश दिया और कमीशन ने इसी वर्ष पहली बार ये जारी किया है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग फाइनल में पहुंचते हैं प्री मेंस इंटरव्यू देने के बाद में, कुछ लोग तो उसमें आईएएस बन जाते हैं, फाइनल रिजल्ट मिल जाता है उनको, ठीक है ना। लेकिन जो लोग नहीं बनते हैं उनके लिए क्या करना है? एक नंबर से कोई फेल हो जाता है या एक नंबर कम होने की वजह से वो मेरिट में नहीं आ पाता है तो वो आईएएस तो वो भी है, एक नंबर ज्यादा होने से कोई आईएएस बन जाता है। तो एक जो फेल हो जाता है, जिसका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जिसका यूपीएससी का रिकमेंड नहीं करती है सरकार को कि भाई इसको जाइए ट्रेनिंग कराइए, तो वो फेल वाला आईएएस अधिकारी है, तो क्वालिटी तो उसके अंदर भी कम नहीं है, ठीक है ना। तो आज उसी पे चर्चा करेंगे। तो ऐसा कौन सा एक नया काम पहली बार किया है यूपीएससी ने, उस पर चर्चा करेंगे। आपको पता है कि 2021 का परिणाम आ चुका है और 2021 के परिणाम में टॉप करने वाली तीनों बहनें हैं, श्रुति, अंकिता और गामिनी, ठीक है ना। इन तीनों लोगों ने क्वालिफाई किया और सारे लोगों का सपना होता है कि हम यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस बने, ठीक है ना, या डीएम बने, ठीक है। तो आज देखेंगे अगर डीएम नहीं बन पाते हैं तो कमीशन ने आपके लिए सुविधा क्या दी है, ठीक है ना, ऐसा क्या किया है। तो थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे इस बड़े बदलाव की जो यूपीएससी ने किया है। सबसे पहली बात में थोड़ा सा आपको चर्चा फीडबैक पीछे जाऊंगा और जो फ्लैशबैक है उसमें मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी आपको दूं कि जो 2021 का परिणाम है, जो 2021 का 2021 में जो यूपीएससी का परिणाम आया है उसकी प्रक्रिया थोड़ी समझ लीजिए। देखिए, प्रक्रिया यह है, आपको पता तो है ही है, प्री मेंस इंटरव्यू होता है, लेकिन सरकार की प्रक्रिया क्या है कि कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय, ठीक है ना, पर्सनल डिपार्टमेंट है, वो पूरे जितने भी वैकेंसियां होती हैं उनको कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट करने के बाद में कमीशन को कहता है कि भाई ये इतनी वैकेंसियां हैं, इनको सिलेक्ट कराइए, इतने हमें आईएएस दीजिए, इतने आईएफएस, इतने आईपीएस दीजिए, ठीक है ना। तो वो यूपीएससी को जो है, यूपीएससी को ये रिक्विजिशन मिला, अधियाचन मिला और उस पर यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया। जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें आप अमूमन आप जानते ही हैं, लगभग 5 लाख 6 लाख के बीच में लोग फॉर्म भरते हैं, आईएएस तैयारी करने वाले जो आईएएस स्टूडेंट होते हैं फॉर्म भरने के बाद में प्री क्वालिफाई करते हैं और जो प्री क्वालिफाई किए वो 1300 समथिंग प्लस थे, 13000 प्लस लोगों ने मेंस के लिए क्वालिफाई हुए। उसके बाद में फिर इनका एग्जाम मेंस का हुआ और मेंस के क्वालिफाई जो इंटरव्यू के लिए गए उसमें लगभग 1823 कुछ समथिंग थे, 1800 के प्लस ही थे। अब 1800 लोगों में जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया उसमें जाहिर सी बात है जो पोस्टें थी वो आपको पता ही है, अब की बार की पोस्टें थी 749, ये जो 749 है इतने आईएएस आईपीएस या यूपीएससी को रिजल्ट आउट करना था, आउट कर दिया, बाकी लोग बच गए। तो बाकी लोग क्या करेंगे भाई, कोई एक नंबर से रह गया, अगर एक नंबर कम है उसका तो मेरिट में नहीं आएगा, फेल हो जाएगा। तो ये आईएएस तो ये भी है, क्वालिटी गुण तो इसके भी है ना, इसने भी प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई किया है और वो सारी पढ़ाई की है जो एक आईएएस बना है। कभी कभी वैकेंसी ना होने की वजह से, कभी कभी जो है कैटेगरी की वजह से
कुछ बच्चों का, कुछ स्टूडेंट का, कुछ एस्पिरेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इनके लिए सरकार ने क्या किया है, हम लोग आज इसी पे चर्चा करेंगे और यूपीएससी का देखेंगे बड़ा बदलाव क्या है और आप लोगों के लिए फायदा क्या है। देखिए यूपीएससी ने एक नोटिस जारी की है, नोटिस आपके सामने लगा हुआ है, ठीक है ना, 27 अक्टूबर 2022 को। इसमें स्पष्ट उसने लिखा हुआ है कि ये पहली बार हम कर रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हमने पास कर दिया है वो पास हो गए, वो ट्रेनिंग में जाएंगे, और जो सिलेक्ट नहीं हो पाए, जिनका रिकमेंडेशन हम नहीं कर पाए, ठीक है ना, जो प्रॉपर कैंडिडेट जिनका रिकमेंडेशन हम नहीं भेज पाए, वो कितने हैं, वो आपके सामने है, देख लीजिए, वो लगभग 902 हैं। अब इन 902 ने प्री इंटरव्यू सारा कुछ क्वालिफाई किया है, इनका क्या करें, क्वालिटी इनके अंदर भी है, मैं आपको भी लिस्ट भी दिखाऊंगा कि इसमें सारा कुछ डाटा है, क्या कैंडिडेट का नाम है, फादर्स नेम है, ठीक ना, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, क्वालिफिकेशन है, और कितने मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं वो भी है, ठीक है। तो ये क्यों किया है, ये पहली बार हुआ है, और ये लिस्ट जो जारी की है कमीशन ने अपने वेबसाइट पे लगाई है, ये एक उन्होंने स्पष्ट बोला है कि ये जो लिस्ट है ये ओनली वन ईयर जो है वैलिड रहेगी, ठीक है ना, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, वन इन फ्रॉम डेट ऑफ डिस्क्लोजर, जिस डेट से हम इसको डिस्क्लोज कर रहे हैं उससे एक साल वैलिड रहेगी, और स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें कि ये अदर प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर में इन बच्चों को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब क्या कि अगर एक नंबर से आप फेल होकर के आईएएस नहीं बने हैं तो अब आप किसी भी नौकरी में आपको लिया जा सकता है, और आपके क्वालिटी के अकॉर्डिंग, आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर हम आपको जो है नौकरी दे सकते हैं, ठीक ना, और प्राइवेट सेक्टर और जो है सरकारी, ये सारे कुछ हो सकते हैं। देखिए ये डाटा है, ये पूरी की पूरी लिस्ट है, कितने लोगों की लिस्ट है, कितने कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू में अपीयर हुए थे, वो लगभग 902 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आईएएस प्रॉपर या फाइनल आईएएस नहीं बन पाए हैं, उन 902 की लिस्ट ये सामने है। वैसे ये जो रिजल्ट आया था, मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता दूं कि इस रिजल्ट में आईएएस और आईपीएस बने कितने थे, थोड़ा सा इसका डाटा होगा कि ये जो है जिसमें आईएएस की ठीक ठाक क्वेश्चन थी, इस बार लाहौर लगभग 180 आईएएस बने थे, और आईपीएस एक साथ ही होता है, इसका रिजल्ट है लगभग 200, आईएफएस इसका रिजल्ट था 37, ठीक ना, और ग्रुप ए और ग्रुप बी, ये तो तीन टॉप मोस्ट पोस्ट हो गई। उसके बाद में ग्रुप ए और ग्रुप का भी सिलेक्शन यहीं से होता है, ग्रुप ए में 242 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे और उसमें 90 हुए थे, इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ था, टोटल आप कर लीजिएगा समथिंग, वही जितना भी रिक्विजिशन था 749 का, 749 वैकेंसी इसमें आ रही है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा कि हम ये जो है बदलाव जो किए हैं इसमें कौन कौन से डाटा हमने शो किया है, और इन अभ्यर्थियों का जो प्राइवेट और सरकारी संस्थाएं हैं, जो भी गवर्नमेंट है, दूसरी और गवर्नमेंट है जो इनको अदर जो है जॉब में लेना चाहती हैं, तो इनके क्वालिटी के अकॉर्डिंग ले सकती हैं, ठीक है ना। इसमें फायदा क्या होगा कि देखिए इसमें कैंडिडेट का रोल नंबर भी है, नाम भी है, फादर्स नेम भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, किस कैटेगरी में वो भी है, मेल, जेंडर क्या है, और उसके बाद में क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण है ये क्वालिफिकेशन। मान लीजिए कि आपको आपके संस्था में किसी अच्छे वर्कर की, किसी अच्छे एम्प्लॉय की जरूरत है, तो ये एमबीबीएस है, और एमबीबीएस है, टोटल मार्क्स इनके 840 थे, यहाँ के रहने वाले हैं, और इनका ये ईमेल आईडी है। अगर आपको चाहिए एमबीबीएस और चाहिए अच्छी क्वालिटी वाला वर्कर्स या अच्छी क्वालिटी वाला एम्प्लॉय, अगर आपको एम्प्लॉय लेना है, तो अगर ये लोग इंटरेस्टेड हैं, किसी को किसी के पास में जॉब नहीं है, तैयारी कर रहा है, तो वो उसमें अप्लाई कर सकता है और उसको जॉब मिल जाएगी। जैसे बीटेक किया हुआ कैंडिडेट है, कितनी मेहनत किया होगा, 925 नंबर ला करके भी सिलेक्ट नहीं हो पाया है, तो कभी कभी दुर्भाग्य भी होता है, 924 वाला सिलेक्ट हो जाता है, 925 वाला सिलेक्ट नहीं होता है, वो अपने नॉर्म्स हैं यूपीएससी के, उसके अकॉर्डिंग वो चेक करती है, ठीक ना। अब 925 लाया होगा तो जाहिर बात है प्री मेंस इंटरव्यू और इतनी अच्छी तैयारी किया होगा, 925 नंबर ऐसे नहीं आते हैं। अब ये बीटेक किया हुआ है, क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड बंदा, अब इसको जॉब अगर इसके पास नहीं है, ये चाहे जॉब करना, तो इसको सरकार नौकरी देगी, ठीक ना, प्राइवेट कंपनियां इसको ऑफर देंगी, प्राइवेट कंपनियों में भी जा सकते हैं सरकारी। तो आप समझिए कितना बड़ा बदलाव है, और कितना जो अभ्यर्थी
टूट जाते हैं, कई बार देते हैं एक एक नंबर दो दो नंबर से नहीं होता है, तो वो उनके लिए एक जॉब सिक्योरिटी हो गई, उनके भविष्य कैरियर को सिक्योरिटी मिल गई कि कमीशन ने ये जो व्यवस्थाएं लागू की हैं, अगर आपने इंटरव्यू भी दे दिया है और अच्छे नंबर हैं या अच्छे नंबर नहीं भी हैं, फिर भी आप किसी भी संस्था में जाना चाहते हैं तो आपको अवसर मिलेगा। तो जाहिर बात है ये आपके लिए बहुत ही फायदे की न्यूज है। बहुत ही भाई ढेर सारे कैंडिडेट से नहीं हो पाते हैं तो वो आज की डेट में ये नहीं कहेंगे कि देखिए हमने भी बहुत तैयारी की और नहीं कुछ हो पाया है, तो आज की डेट में वो कहीं भी जा सकते हैं। ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, पूरी लिस्ट आपके सामने है, लंबा जो है ये देखिए सारा कुछ इसमें पूरा डाटा है और सब कुछ रिलीज किया है और 902 कैंडिडेट हैं। और ध्यान रखना, सरकार ने कमीशन ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये एक साल तक जारी रहेगी, एक साल तक मान्य होगी और उसके बाद में दोबारा फिर दूसरी आ जाएगी। ठीक है, तो मित्रों कैसी लगी ये न्यूज जरा जरूर बताइएगा और आप भी तैयारी करिए, यही एकमात्र तैयारी है, हो सकता है आने वाले भविष्य में इन लोगों का महत्व तो बढ़ जाए। और जाहिर बात है यूपीएससी की तैयारी करने वाले में गंभीरता होती है और बहुत कुछ उसको सीखना पड़ता है तब वो आंसर राइटिंग कर पाता। आपसे अगर कह दिया जाए कि एप्लीकेशन लिखे 10 बार सोचेंगे, ठीक है, तो कलम में ताकत ऐसे नहीं आती है, कलम में ताकत मेहनत करने से आती है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यूपीएससी में प्री मेंस इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो फिर आपके अंदर वो क्वालिटी होती है जो आईएएस के अंदर होती है। इनकेस आपको नौकरी नहीं मिलती है, आईएएस नहीं बन पाते हैं, तो फिर आपको दूसरी जॉब, दूसरी अच्छी सी जॉब आपके लिए इंतजार कर रही है। तो मित्रों इंटरेस्टिंग न्यूज थी, कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।